वेलकम बैक टू माई चैनल सो कैसे हो आप सब आई होप यू आर डूइंग वेल एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो कि मैंने क्रिएट किया हुआ है एंड इस वीडियो में आप वही देखोगे कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया हुआ है सो so, इस लुक को आप क्रिएट कर सकते हो एज अ वेडिंग गेस्ट अगर आपको किसी की वेडिंग अटेंड करनी है या फिर आपके घर में खुद भी किसी की वेडिंग है तो भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो एंड यू नो संगीत एंड मेहंदी के फंक्शन के लिए भी आप इस लुक को क्रिएट कर सकते हो सो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट ओके okay, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ टोनर से और उसके लिए मैंने यूज़ किया हुआ है अल्फ गुडनेस का शैंडलवुड टोनर एंड गाइज़ ये मैंने भी रिसेंटली परचेज किया हुआ था एंड जो मैंने आपके साथ पर्पल हॉल शेयर किया हुआ है ना उसमें ये आ, मैंने आपको दिखाया हुआ था एंड काफ़ी अच्छा टोनर है ये एंड उसके बाद मैं यूज़ करूंगी मॉइस्चराइज़र एंड इसके लिए मैंने ये पॉन्ट्स का लाइट तो जेल मॉइस्चराइजर यूज़ किया हुआ है एंड ये ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड मॉइस्चराइज़र के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सीरम एंड सीरम के लिए मैंने यूज किया है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम या रोज हिप सीरम एंड गाइस विंटर है ना तो इसलिए मैं स्किन केयर का थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही हूँ आई मीन वैसे मैं सीरम बहुत ज्यादा नहीं अप्लाई करती हूँ बट विंटर में अप्लाई करना मुझे अच्छा लगता है उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पर्पल का प्राइमर एंड ये ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड प्राइमर है तो काफ़ी यू नो बहुत ही स्मूथ कर देता है ये आपके स्किन को एंड बहुत ही फ्लॉलेस हो जाता है आपका बेस एंड उसके बाद मैं ये मार्स की थ्री मैन पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैंने रेड सेड लेके एज अ कलर करेक्टर यूज़ किया हुआ है एंड जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ी सी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी एंड ये बहुत क्रीमी प्रोडक्ट है तो बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है एंड उसके बाद इसमें से मैंने यू नो कंसीलर वाला शेड लेके अंडर आई एरिया पे अप्लाई किया हुआ है प्लस आई पे अप्लाई किया हुआ है ताकि हमारा जो आई मेकअप है ना वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड लगे एक अच्छा सा बेस मिल जाएगा आईज को एंड जो एरिया मुझे हाईलाइट करना है मैं वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर ली हूँ कंसीलर को आप देख सकते हो अभी थोड़ा आपको मेरा फेस वाइट वाइट सा दिख रहा होगा बट ऐसा नहीं है मैंने कंसीलर पहले ही अप्लाई कर लिया फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले एंड इसके ऊपर मैं फिटमी का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड वन टू एट या और ये शेड मेरी स्किन टोन से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है एंड बस इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी एंड आप देख सकते हो बेस आपको देख के ऐसा लग रहा होगा ना कि थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है बट नहीं हम वेडिंग गेस्ट मेकअप कर रहे हैं एंड वेडिंग में इतना मेकअप तो चलता है एंड यहाँ पे मैं कॉन्टोर कर रही हूँ उसके लिए मैंने इसी पैलेट से कॉन्टोर शेड लेके कॉन्टोरिंग कर ली है एंड मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोल नहीं करती हूँ हल्का ही कॉन्टोर करती हूँ आप देख सकते हो एंड उसके बाद मैंने आप पे कॉम्पैक्ट के लिए यूज़ किया हुआ है फेसिस कैनेडा का कॉम्पैक्ट एंड कैस जब से मैं ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ ना मुझे इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी लगती ही है प्लस ये बहुत ही सॉफ्ट सा कॉम्पैक्ट है एंड इसका शेड भी है ना वो थोड़ा सा येलो टोन में है एंड यहाँ पे मैं आई मेकअप के लिए मर्फी का जैकलिन हिल पैलेट यूज करी और उसमें से मैंने ब्राउन शेड लिया हुआ है और उसको एज ए ट्रांजिशन मैंने अप्लाई किया हुआ है आप देख सकते हो उसके बाद उसी पैलेट से ना मैंने ब्लू शेड लेके हल्का हल्का सा यू नो पूरी आईज आई पे आप बोल सकते हो आईलिफ्ट अप्लाई कर लिया है एंड इससे क्या हुआ कि मुझे एक नेवी ब्लू कलर मिल गया जो मुझे चाहिए था एंड उसके ऊपर मैंने सीमर शेड लगाया ब्लू कलर का फिर मैंने ब्लू ग्लीटर भी लगाया तो तीन स्टेप मैंने किए बेसिक ये लुक क्रिएट करने के लिए तो पहले मैंने ब्लू शेड का आई शेडो लगाया एंड उसके बाद मैंने ब्लू शिमर शेड लगाया देन उसके ऊपर मैंने ब्लू ग्लेटर लगा लिया तब जाके मुझे फाइनल वो लुक मिला इसका आप देख सक उसके बाद मैं ये ब्लश के लिए यूज कर रही हूँ इसके पहले मैंने काजल लगाया था क्या यहाँ सॉरी गाइज मैं वीडियो आगे चली जा रही है तो काजल मैंने स्टेक पैरकी का लगाया था एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्राउनजिंग एंड इसके लिए मैंने स्विस ब्यूटी की ही पैलेट यूज़ की हुई है एंड काफ़ी देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे शेड हैं इसमें बाय द वे अगर आपको इसका भी रिव्यू चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी आप कमेंट करना एंड ब्लस के लिए भी मैंने इसी पैलेट से पिंक और जो न्यूड शेड था ना मैंने दोनों मिक्स करके ब्लश लगाया हुआ तब जाके मुझे ये वाला शेड मिला एंड हाईलाइटर के लिए मैंने एन वाई बी की न्यू लॉन्च जो अभी उनका न्यू लॉन्च हाईलाइटर हुआ है ना उसमें से मैंने शेड सिल्वर यूज़ किया हुआ है एंड काफ़ी ग्लोई हाईलाइटर है एंड आप अभी देख सकते हो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंड पूरे बेस को मैं सेट कर लूँगी मेकअप फिक्सर से एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर आईलाइसिस लगा ली है एंड उसके उससे सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया हुआ है मार्स का उसके बाद मैं दो लिपस्टिक मिक्स करके अप्लाई करूंगी हिलैरी रोडा की एंड किस ब्यूटी की दोनों ही न्यूट शेड में है एंड अभी आप देख सकते हो तो ये रहा मेरा फाइनल लुक आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा मेकअप लुक मैंने बहुत ही सिंपली क्रिएट किया है आप चाहो तो इजीली इस लुक को क्रिएट कर सकते हो एंड फाइनल जो रिजल्ट है ना वो आपको दिख ही रहा होगा काफी ग्लोई लग रहा है एंड यू नो इस सीजन के लिए परफेक्ट है जब भी आप नाइट मेकअप कर रहे हो कहीं एज अ वेडिंग गेस्ट या फिर तो वहां पर लाइटनिंग वगैरह इतनी रहती है ना तो आपको ये जो मेकअप है ना वो उस लाइट के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखने वाला है आई होप ये लुक आपको पसंद आया होगा एंड यू नो मैंने बहुत बहुत ज्यादा ही सिंपली इस लुक को क्रिएट किया हुआ है ताकि आप इजली इस लुक को क्रिएट कर सको तो वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करना मत भूलना ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो ओके यू इन द नेक्स्ट वन बाय बाय